मैं हूं नफीसा खान और आप देख रहे हैं बोल्ड स्काई। दोस्तों, छोटे बच्चे की सेहत और खान पान का ख्याल बहुत ही खास तरीके से रखा जाता है। छोटे बच्चों को बड़ों के मुकाबले इन्फेक्शन होने का डर ज़्यादा रहता है। ऐसे में खान पान के जरिए बच्चे की सेहत से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियों को आप दूर कर सकते हैं। बात अगर हो गर्मियों की, तो ऐसे में लोग बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए नींबू पानी का सेवन करते हैं। लेकिन क्या यही नींबू पानी आपके बच्चों के लिए सही है या नहीं, ये बात सोचकर अक्सर पेरेंट्स परेशान होते हैं। पर आपको अब ये बात लेकर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि आपके बच्चे को किस उम्र में आपको नींबू पानी देना चाहिए और किस तरह से देना चाहिए कि उसके लिए फ़ायदेमंद हो और उसे डाइजेस्ट भी हो जाए। विटामिन सी से भरपूर नींबू में बहुत खटास होती है और छोटे बच्चों के लिए खट्टी चीज़ें ठीक नहीं हैं। लेकिन जब बच्चा 10-12 महीने का हो जाए, तो उसे पानी में नींबू का रस डालकर पिला सकते हैं। इस बात का ख्याल रखें कि नींबू ज़्यादा मात्रा में नहीं देना है। खाली नींबू की बजाय नींबू पानी ही बच्चे को पिला सकते हैं। इसके अलावा कई बार खान पान में गड़बड़ी होने की वजह से खाना पचाने में परेशानी होने पर बच्चा उल्टी कर देता है। ऐसे में नींबू पानी में चीनी मिलाकर बच्चे को पिलाएं, बच्चे को काफ़ी फ़ायदा होगा। बात करें अगर अपच की, तो बच्चा जब ठोस आहार खाना शुरू कर देता है तो कई बार उसे अपच की परेशानी हो जाती है। ऐसे में नींबू पानी में थोड़ा सा नमक डालकर 1-2 चम्मच बच्चे को पिलाएं। नींबू के गुण पेट को ठीक रखते हैं और खाना पचाने में आसानी होती है। इसके अलावा गर्मी के मौसम में बबच्चे को अगर आप दिन में 2-3 बार 2-4 चम्मच नींबू पानी पिलाती हैं, तो बच्चे के शरीर में पानी की कमी नहीं होती। ये शरीर में पानी को रीस्टोर करने के साथ साथ पेट की गर्मी को भी दूर करता है। लेकिन नींबू पानी 2-4 चम्मच अगर आप पिला रही हैं, तो एक्स्ट्रा पानी भी अपने बच्चे को ज़रूर पिलाएं। बात करें अगर डायरिया की, तो बच्चों को डायरिया होना बेहद आम बात है, पर इस आम सी बीमारी में अपने बच्चों का बेहद ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत होती है। शरीर में पानी की कमी को रोकने के लिए नींबू के रस में पानी, काला नमक और चीनी को मिलाकर थोड़े थोड़े समय पर अपने बच्चे को पिलाते रहें। इससे अगर उसे डायरिया की प्रॉब्लम है, तो बहुत जल्दी उसे आराम मिलेगा। तो ये थी वो जानकारी जिसमें हमने आपको बताया कि आपको बच्चे को किस उम्र में और किस तरह से नींबू पानी देना चाहिए, जो उसको नुकसान ना करे और उसकी सेहत बनी रहे। उम्मीद करते हैं नींबू पानी से जुड़ी ये जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ चाहते हैं आपसे इजाज़त, बहुत जल्द मिलेंगे। फिलहाल अभी के लिए बोल्ड स्काई पर बस इतना ही।